हेलो, तो कैसे हो? खैरियत से हो भाई? गुड मॉर्निंग हो गई तुम लोगों की। तो यार, इनका पानी बहुत खराब हो रहा है, पता नहीं क्या करते रहते हैं, पानी इतना गंदा कर दिया है और इनका भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। और हमारे कबूतरों ने तो तबाही लगा, पूरा बिखेर देते दाना। यार खाते कम हो और गिराते ज्यादा हो, क्या करते हो तुम दोनों? यार अजीब हरकत है तुम दोनों की, है क्यों ऐसा क्यों करते हो? चलो जल्दी से ये नीचे गिरा हुआ वाला पहले पूरा वो खाओ जो नीचे गिर चुका है, देन फिर उसके बाद दूसरा खाना मिलेगा। भाई गुड मॉर्निंग हो गई है, सुबह के हो रहे हैं 11:30 हो रहे हैं और मैच भी है आज, और आज तो हम फुल बिजी रहने वाले हैं। और कबूतरों के पिंजरे की और तोते के पिंजरे की हमने करनी है सफाई भी आज कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना हम वीक में एक दफा सफाई जरूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करूंगा वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद आप लोग बहुत खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते रहे और ब्लॉग को देखते रहे, लाइक भी करते रहे यार, कमेंट भी करते रहे यार, सब्सक्राइब भी करते रहे, सब चीजें करते रहा करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते ना। और आज मैच है, जैन अभी तक सो रहा है, 12 के करीब होने वाले हैं और अभी तक जैन सो रहा है। मैच पता नहीं कितने बजे, टाइमिंग तो मुझे नहीं पता, आई थिंक 1:30 दुबई के हिसाब से 1:30 मैच की टाइमिंग है। तो भाई हमारे तोते रेडी हैं यहाँ पे आज मैच देखने के लिए। भाई तो जल्दी से वेलकम कर दो, वेलकम टू न्यू व्लॉग, फटाफट से। इन्होंने प्यालियों का क्या बुरा हाल किया यार, अभी 3 दिन पहले ही मैंने धो के डाली थी, फिर इन्होंने ये हाल किया। चलो इसको धो लेते हैं और फटाफट इसको लगाते हैं। चले भाई, इनकी मैंने प्यालियां धो दी हैं, साफ सुथरी हो गई। यार बस किया करो ना इतना गंदा, बहुत खराब करते तुम लोग यार, बहुत बुरा हाल किया होता इन्होंने इसका, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो गई। तो अब इनके लिए हम रखते हैं पानी, क्योंकि यार हो रही है गर्मी बहुत। तो मैं हर वक्त एक एक्स्ट्रा ये रख देता हूँ ताकि जो है वो इनको पानी की प्रॉब्लम ना हो। खाने के लिए भी मैं ज्यादा ही रखता हूँ, 1, 2 और ये 3, तो मैंने 3 प्यालियां इनके लिए खाने की रखी हुई है। इसी तरह बटेर के लिए भी एक्स्ट्रा रखता हूँ और कबूतरों के लिए एक्स्ट्रा रखता हूँ, क्योंकि यार गर्मी बहुत है। तो अच्छा है इनके पास जितना खाना और पानी एक्स्ट्रा हो, कोई बात नहीं होती, चलेगा, भले जाया करें मगर इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बटेर ने ना बहुत ही बुरा हाल किया है, इस बटेर ने बड़ा कम किया है, बटेर ने मट्टी का बहुत बुरा हाल किया। पानी गिरा देते, जब भी पानी लगता है ना वो पानी नीचे फेंक देता है। अब जाके मट्टी लेके आता हूँ उसके लिए और अच्छी ज्यादा भर दूंगा ताकि जो है ये खराब ना कर सके, गीली भी हो तो चले, खैर है कोई बात नहीं। तो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाके मट्टी लेके आता हूँ बटेर के लिए, और आज मुझे करना है जगह को साफ भी, और आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है। ओहो बहुत काम है, छुट्टी आज तो। बटेर के लिए हमने ले लिया है मट्टी, मट्टी इसके अंदर मौजूद है, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि बटेर को ना मट्टी में रहना ज्यादा पसंद होता है, तो उसके लिए मट्टी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो फिर सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम मट्टी लेके आ गए हैं। इन लोगों ने की भी है यार बहुत ही गंदगी। मैं बटेर को फिलहाल नीचे छोड़ देता हूँ इधर, और हम इनके पहले करेंगे पिंजरे की सफाई। इसमें यार पन्नी लगा देते हैं ताकि जो है वो मट्टी जो है वो कहीं जाए ना, तो अंदर लगाते हैं इसके पन्नी, और ये शॉपर है मेरे पास, ये लगाते हैं अंदर ताकि मट्टी बाहर न निकले कार्टन के नीचे से। और उसके बाद हम इनकी थैलियां सबकी चेंज करेंगे, उनकी भी और इनकी भी, क्योंकि सबने बहुत गंदगी कर दी। और इन्होंने बाजरा देखो कितना बिखेरा है, यहाँ से वहां तक पूरा बाजरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो अब हम फटाफट से ये करते हैं चेंज, और फिर मैं आपको चेंज करने के बाद दिखाता हूँ, ठीक है? साथ रहे। तो देखिए मैंने सुफरा जो बिछाया था ना वो इसी वजह से बिछाया था, ये देखिए कि ये अंदर से पूरा साफ सुथरा निकला। भाई इसको उठाओ, फेंक दो और इसका सुफरा चेंज करो, वापस से साफ हो जाएगा। इसी तरह अभी हमें इसका भी करना पड़ेगा, तो इसका भी सुफरा चेंज हो जाएगा और जबरदस्त हो जाएगा। और आज आ रहे हैं बादल, यार बादल कहाँ से आ गए? तो भाई लग रहा है बारिश होने वाली है शायद। तो पहले ये पन्नी बिछाने से पहले ना हमें क्या करना होगा, हल्का सा पानी इस पे छिड़कना होगा, क्योंकि अगर ये पानी नहीं छिड़केंगे हल्का हल्का सा भी, तो इसमें तो पानी नहीं था सॉरी, तो ये रहा पानी, थोड़ा बहुत अगर हम पानी इसमें छिड़क देंगे ना तो क्या होगा कि ये पन्नी इस पे चिपक जाएगी अच्छे से। मैं अभी आपको दिखाता हूँ चिपकाने के बाद। तो आप देख रहे हैं पानी हल्का सा टच करने से ये पन्नी पूरी चिपक गई है। और अब हम इस ट्रे को लगा देते हैं, ये गई ट्रे इस तरह से, ये हो गया जबरदस्त किस्म का। आप भले ही जितनी गंदगी करें कोई टेंशन नहीं है, बस सिर्फ पन्नी निकालो और फेंको, सबर कर जाओ, अभी तुम लोग भी दाम आने वाली है, इधर भी अभी सफाई होगी, रुक जाओ। अभी हम कबूतर को उठाते हैं यहाँ से ताकि जो है हम वहाँ कोने में हम सफाई कर सके। ओहो क्या गंदगी की है यार, इन्होंने पूरा फहरा दिया, पूरा साफ करना पड़ेगा, उस दिन पूरा साफ किया मैंने। चलो अब इसको भी हम खींच लेते हैं बाहर, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई ये अब इसको भी हम साफ करते हैं, इसको नया लगा के इसको दिखाते हैं। चले भाई इनका भी हमने ये चेंज कर दिया है, तो उसको भी लगा देते हैं फटाफट से। पिंजरा टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई, पिंजरे को सही करके रखते हैं। चलो भाई पिंजरा हो गया, तो रेडी हो? आज एशिया कप का पाकिस्तान इंडिया का मैच है, मैच शुरू होने वाला है यार, मैच भी शुरू होने वाला है यार, 10-15 मिनट ही रह गए। तो सोचा आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूं, देख लिया करें यार, हर दफा ही दिखाता हूं, तो अब तो आपको रट गया होगा, ये बाहर का व्यू दिखा दूं, बाहर का देख ले काफी हाइट, और कितने एसी लगे हुए हैं यार, ये देखें एसी पे एसी, ओए होए, तो मैं
दिखाने ही भूल गया था आप लोगों को कितने एसी लगे हुए देख रहे हैं आप। ये छतों के ऊपर हर फ्लोर पे एसी 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 सब जगह ही एसी है। और वो जो सामने लगा हुआ ना, वो जो आप टॉप देख रहे हैं वो होता है हेलीपैड, यानी इधर हेलीकॉप्टर उतरते हैं कि अगर खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरेगी। तो भाई ये इस तरह से व्यू है बाहर का, और ये देख रहे हैं हमारे तोते। चले चलो भाई कबूतरों अपनी जगह पे आ जाओ वापस से। तो ये कबूतर अपनी जगह पे आ गए, कहाँ गए ये इधर। तो भाई कबूतर आ गए अपनी जगह पे, अब हम रखेंगे इधर बटेर को वापस। जगह सबकी पूरी हो गई, अब टाइम है पानी भर के रखने के लिए, इनके लिए फ्रेश पानी रखना जरूरी हो गया। चले भाई तोतों को भी पानी डाल दें। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत रख दिया था, मैंने कहा यार जब तक सफाई हो रही है तो पानी कैसे डालूंगा अगर मैं ऐसे करूंगा। चले पानी डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये मैंने ठंडा पानी इनके लिए ना फ्रिज में रख दिया था। मैं दो जगह पानी भर के रखता हूँ कि अगर यार एक जगह पे पानी खत्म हो जाए तो तोतों के लिए और जानवरों के लिए मसला ना हो, उनके पास पानी मौजूद हो हर वक्त। तो बस इस वजह से मैं दो जगह रखता हूँ कि एक इधर भी रख दिया, एक इधर भी रख दिया। बटेर के साथ भी यही किया, कबूतरों के साथ भी यही किया। कबूतरों का पानी थोड़ा ठंडा डालना पड़ेगा। तुम लड़की रहे भाई, क्या हो गया? अच्छा बोला पिंजरा साफ कर दिया ना तुम लोगों का, झगड़ा बंद करो जल्दी से। शाबाश भाई, ये लड़ते रहते हैं जबकि ये जोड़ा है, ये नर है और ये मादा है, तो उसके बावजूद ये लोग लड़ते रहते क्यों, कोई वजह बताएगा? मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि कहीं ये दोनों ही नर ना निकले। मगर नहीं, मैंने चेक भी करवा लिया था, पता चला है कि भाई ये नर है और ये मादा है। मगर अगर किसी को देख के आइडिया हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। भाई अपनी सारी बातों के अंदर हम तो अपना बताना भूल ही गए कि हमारी मछलियाँ किधर है। भाई मछलियाँ तो दिखा रहा, भूल ही गए थे आज। यार ये कैसे हो सकता है कि मछलियाँ भूल जाए, क्योंकि मछलियाँ मेरी बहुत फेवरेट है। मैं क्या करता हूँ डेली बैठ के ना इनको बस देखता रहता हूँ, 10-15 मिनट सुबह उठ के देखता रहता हूँ, क्योंकि दिमाग एकदम सुकून में चले जाता है, बहुत फ्रेश हो जाता है। तो भाई बहुत जरूरी है मछलियों को देखना चाहिए। तो चले अब मछलियों को भी खाना डालते हैं, हमने कबूतरों को और बटेर की इन सब की पूरी सफाई कर ली, और मैच भी शुरू होने वाला है। 5 मिनट है खाली, तो मैच भी शुरू होने वाला है। चले फटाफट से हम अपने मछलियों को खाना डालते हैं। मछलियों को हम डाल देते हैं खाना फटाफट से। चलो भाई ये छोटा सा एक होल बनाया भाई, यहाँ से ना ये मछली को डाला खाना, और ये देखिए कैसे आ गई सारी मछलियाँ। अरे फिल्टर बंद करना भूल गया था, क्योंकि फिल्टर खुले रहने से क्या होता है कि मछलियों का खाना जो है ना वो पानी में मिक्स हो जाता है और पूरा पानी गंदा हो जाता है। तो भाई फिश वाले ने बोला था कि आप जिस टाइम पे खाना डालें आपने इसको फिल्टर को बंद कर देना है, ये जो ऑक्सीजन वाली मशीन है इसको बंद कर देना। तो मैंने यही किया, अब इसको मैंने बंद कर दिया, अब मछलियों को खाना डाल दिया। तो देखिए करीब से मैं क्या करता हूँ, बस मैं यहाँ बैठ जाता हूँ ऐसे, यहाँ पे स्टिल होकर बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ मछलियों को कर क्या रही है। और ये वाली हमारी मछलियाँ जो है ना ये झुंड बना के चलती रहती है, सारी मछलियाँ एक जगह जमा हो जाएंगी और यहाँ पे चलती रहेंगी, कभी इधर कभी इधर। बाकी जो मछलियाँ ना वो तो अलग अलग ऐसी घूमती फिरती रहती है, तो बस इसी तरह चलता रहता हूँ। मैं बैठ के देखता रहता हूँ कि भाई कैसी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही होती है, दिमाग को एकदम सुकून मिल जाता है। अरे हमारा श्रिंप फिर गायब है भाई, लो भाई यार ये पता नहीं कहाँ जाता है, मैं ढूंढ ढूंढ के थक जाता हूँ, ये मिलता नहीं है, पता नहीं किधर चले जाता है यार, समझ से बाहर है। कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को तो बताए, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये लगता है कहीं फिर छुप के बैठ गया, मुझे लगता है ये इसके पीछे जाता है और वहां जाके छुप के बैठ जाता है। मगर मैंने उस दिन इसको भी हटाया था तो भी नजर नहीं आया, और थोड़ी देर बाद दोनों ही नजर आ गए थे। तो पता नहीं क्या चक्कर है, और ऐसा कहाँ छुपते हैं कि ढूंढते रहो नहीं मिलते। जर्सी पहन ली इंडिया की, उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी और गायब हो गए सब, और मैं तो पहना हुआ ग्रीन, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मैं ग्रीन पहना हूँ। मगर अब क्या करेंगे, हमारा तो मैच ही नहीं आ रहा यार, चल ही नहीं देती हमारी डिवाइस, डिवाइस ही खराब हो चुका है हमारा, मैच तो पूरा तबाह बर्बाद हो गया यार, हमारी डिवाइस को क्या हो गया भाई, चल जा आज के दिन चल जा भाई, खुदा के वास्ते हमारी देखो टीवी चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो। जैन तुम्हें क्या, अभी ब्लू शर्ट जो पहनी हुई है, मैंने आज सुबह उठ के पता है पूरी सफाई कर दी है बाहर की, पूरा क्लियर कर दी है, तुमने देखा नहीं है उठ के, तुम तो लगे हुए थे अपने सोने में सुकून से। जैन उठा है 1 बजे सो के, इतनी देर से उठा है। चलो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, फटाफट आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हें दिखाता हूं मैंने कितना साफ किया है, पूरा पिंजरा वगैरह सब साफ कर दिया मैंने, ये देख लो मैंने जैन पूरा मैंने साफ कर दिया। ये देखो नई पन्नियां लगा दी, और बटेर के लिए देखो मैं क्या लेके आया, मक्खी पूरी रखते हैं, एक बटेर हमारा कान दिया, अरे एक बटन काम दिया भाई, अबे कहीं वो यहाँ से कूद तो नहीं गया, अगर यहाँ से कूदा होगा तो बहुत हाइट है, कहाँ गया जैन, इधर भी नहीं है, तू किधर गया भाई, वो देखो वो बैठा हुआ हमारा बटेर, ये देखो बटेर बाहर निकलो वहां से, यहाँ कहाँ घुस गए तुम जैन, यार इसको निकालो जल्दी से। आज जो है ना हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, और आज तोतों को बड़ा सुकून होगा, आज मौसम काफी बेहतर है पहले से, मतलब आज इतनी कोई शदीद गर्मी नहीं हो रही जैसे कि अमूमन होती है यहाँ पे दुबई के अंदर, वो बहुत गर्मी पड़ती है, अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, 40+ टेम्परेचर यहाँ पे होता ही होता है। तो मगर ये है कि आज थोड़ा सुकून है, मतलब हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और गर्मी भी कम है, तो हमारे तोते भी खुश हैं। तोतो खुश हो,
तुम लोग हैप्पी हो? नहीं हो? अभी भी नहीं हो भाई? आज तो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, अब तो खुश हो जाओ। चलो भाई, हम आपको तोते दिखाते थे करीब से। देख लो भाई, कितने करीब से दिखा रहा हूँ मैं आपको तोते उड़ते हुए। भाई क्या हो गया, मोबाइल से डर लग रहा है तुम लोगों को? भाई कुछ नहीं कहते ये मोबाइल, क्यों डर रहे हो तुम लोग? तो भाई ये देख ले, क्या मजे के लग रहे हैं तोते यार। और ये जैन की हरकत है ना, जैन ने इसके अंदर ये रख दिया है, पता नहीं क्यों रखा हुआ है, उसको भी खराब करवा दिया जैन ने। तुम क्या चाहते हो हैं? हर वक्त तुम तबाही लगाते रहते हो और कोई काम नहीं है। हमारा बेटे ना अब काफी बेहतर हो गया, उसका पाँव भी अब काफी ठीक हुआ है। मैंने इसमें मट्टी डाल दी क्योंकि यार ये बहुत जरूरी होती है मट्टी इनके लिए, तो मैंने इसमें मट्टी ना भर के रखी हुई है फुल, ताकि ये आराम से इसको इसमें खेल कूद सके। खाना भी मैंने अच्छा खासा डाल दिया था, माशाल्लाह सारा खा लिया। ओ उसको प्यास लग रही है तो इसमें पानी डाल देते हैं। पानी तो है ही नहीं यार, इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो भाई यार हमारा टीवी यही एरर दे रहा है, नॉट प्ले, पता नहीं क्या मसला हो गया है यार हमारी डिवाइस को। आज के दिन इसको खराब होना था यार, अच्छी वाली चल रही थी, सुबह भी चल रही थी। तो भाई बड़ी मुश्किलों से मैच चलना शुरू हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैच चलना शुरू हो चुका है। जैन अब टेंशन में, ये तुम्हारी अब टेंशन है भाई, हमें तो पता है हमारा शाहीन और नसीम ये सब मिलकर तबाही मचाने वाले है, रेडी रहना तुम हारने के लिए। भाई शुक्र हमारा मैच चल पड़ा है, जल्दी से देखेंगे मैच यार। ओह 6 रन हो चुके हैं, पहला ओवर है, देखते हैं आगे क्या होगा। बहुत प्यारी बॉल कराई है यार, जबरदस्त इस वक्त मैच चल रहा है। भाई जिस हिसाब से मैच चल रहा है ना, मुझे तो रोहित जो है ना अभी आउट होने वाला है, मुझे ऐसे ही लग रहा है रोहित आउट देगा, या ये जो दूसरा नाम है शुमल गिन, मुझे लगता है ये आउट होने वाला है। भाई जितना प्रेशर इस वक्त दे रहे हैं ना, मुझे लगता है बस फटाफट ये कुछ ना कुछ होने ही वाला है। लो भाई बारिश शुरू हो चुकी है, अब क्या होगा। ले भाई प्लेयर भी गए, क्या हो रहा है यार, क्या जरूरत थी इस जगह पे मैच रखने की, जरूरत क्या थी यार, जो बारिश हो जा रही है यार, शिट है यार। हमारे बटे ना पानी बस गिराते ही रहते हैं यार, तुम लोगों को मसला क्या है? खुद प्यासे बैठे रहोगे ना, पानी अगर गिरा दोगे, पूरा पानी ये गिराते रहते हैं, दिन में 10 दफा इनको पानी डालना पड़ता है, फिर भी थोड़े दिन में अभी ये क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी पिएंगे उसके बाद ये फेंक देंगे। भाई हमारे घर में ना जंगली कबूतर आके बैठ गए, देखो। अरे कहाँ जा रहे भाई, जाना नहीं है, अच्छा आ जाओ खा लो जो खा रहा है तुम, देख खाना खा लो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे डर क्यों रहे हो, इसको अंदर पे गए। अरे यार इसके पाँव पे क्या हुआ है यार, अजीब सा, बेचारे की शायद धागा फंसा हुआ है। ओह अगर इसको मैं पकड़ लूँ तो शायद इसका धागा वगैरह मैं सही कर सकता हूँ, बेचारे के साथ अजीब ही हुआ यार। आ जाओ डरो नहीं। अरे एक जगह दो तो आ गए, एक और आके बैठ गए, आ जाओ तुम भी आ जाओ खाना खा लो, क्यों डर रहे हो। अच्छा मैं पर्दा बंद कर देता हूँ ताकि आराम से खाना खा सके। ओ भाई कोहली आउट हो गया, रोहित आउट हुआ, रोहित यसो। क्या बात है, जियो 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 भाई, कुछ तो बोलो, हंस लो यार, कुछ तो हो जाओ यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ओ भाई आखिरी विकेट रह गई है यार, ओ भी छक्का मार दिया, ओ आउट हो गया ये भी, दिमागी संतुलन हिल गया, क्रिकेट मैच छोड़ के कबड्डी देख रहा, कबड्डी लगा ली। कैसे मार रहे भाई, क्या हो रहा है ये कैसा गेम लगा लिया, बंद करो इसको। चलो भाई जैन का दिमागी संतुलन हिल गया है, पागल हो गया जैन, दिमाग घूम गया है भाई। अभी अभी पता चला मैच तो खत्म ही हो गया है, मैच तो मुक गया पूरा का पूरा, बोलते कि बारिश हो गई, ये एक एक पॉइंट मिलेगा। लो भाई ये क्या बात है यार, पाकिस्तान की तो बैटिंग ही नहीं आई, सिर्फ इंडिया बैटिंग की पर चले गए। वो तो अपने गली का जमाना याद आ गया कि भाई अपनी बैटिंग ही, उसके बाद निकल गया यार, अम्मी बुला रही है, अब्बू बुला रहे हैं और हम चले जाते हैं, तो ये तो वही हुआ है मुझे लग रहा है यार। यार अजीब सीन हो गया, चले खैर खुश हो जाए। तोते देख ले लाइन से बैठे हुए, किस तरह से बैठे हो तुम लोग भाई, बहुत भाईचारगी हो रही है तुम लोगों में आपस में, और हमारे बटेर तोते और बाहर का व्यू। चले भाई अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर, बाहर से आएंगे और फिर आपको ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ये कैसा मैच हुआ कि मैच हुआ ही नहीं, मैच तो ड्रॉ हो गया, मैच खत्म ही हो गया, बारिश ने तबाह कर दिया मैच को, क्या करें यार, कोई नहीं जीता, कोई भी नहीं जीता, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। वैसे पाकिस्तान जीत सकता था, बहुत आसान था, मैं सही बता रहा हूँ, बच गया यार, खैर जो भी था। चले भाई अभी हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर, बाहर जाके थोड़ा सामान लेके आना, वो दिखाते हैं। जाओ जल्दी से जरा बटन दबा दो फटाफट से, रोड क्रॉस करने के लिए बटन दबाना जरूरी है ना, तो रोड क्रॉस करेंगे, सिग्नल बंद पड़ा हुआ अभी हमारा। चलो भाई हमारा सिग्नल खुल गया जैन, चलो चलो हमारा सिग्नल खुल गया, आ जाओ आ जाओ, गाड़ियाँ रुक गई सारी जैन, चलो आ जाओ। अजीब हो यार, रोड पे चलते हुए खुजवा रहे हो तुम मुझसे किधर, अरे तुम चलो तो सही, किस तरह से चल रहे हो, चलो 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 जैन, मैच तो जीत नहीं पाए यार, ऐसी ख्वार हो रहे हो मेरे साथ, और मॉल में लेके आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए आ गए फौरन, हार गए थे तुम लोग वैसे, आज गए खत्म है मैच, ड्रॉ भी हो गया। लो तुम्हें यही नहीं पता, अजीब ड्रॉ हो गया, खत्म हो गया।
क्या लेना है, हमारी बैक टू स्कूल की शॉपिंग इस वक्त चल रही है, दबा के ये सामान सब ले लिया भाई इतना सारा, तो बैक टू स्कूल की शॉपिंग इस वक्त भरपूर तरीके से चल रही है। तुम बर्तन में बर्तनों में क्या करो, बर्तन कौन से स्कूल के जाना है? अरे किस पीस ने कहा होगा, बहन हो गया पागल, क्योंकि आज जो है वो फंस गया था ना मैच, इस वजह से वो पागल हुआ है। पागल हो तुम्हारा मुंह छानने के लिए नहीं, छोड़ो मैं बता रहा हूँ ना इसके बारे में भाई, देखे क्या ही है पता है, ये आटा छानने के लिए इसमें आटा डालो और उसके बाद ऐसे और फिर यूं यूं करते रहो, ये नई चीज तरक्की हो गई जैन, हम तो ऐसे आटा छानते थे हिला हिला के, अब ये तरक्की हो गई भाई। क्या क्या सामान ले लिया स्कूल का तुम लोगों ने, ये क्या लेके घूम रहे तुम, ये क्या है जल्दी बता दो, ये कौन सी बॉटल ले, मन खुल करने वाली बॉटल ले ली, कौन सी चप्पल लेनी है बताओ जल्दी दिखाओ, ये वाली चप्पल लेनी है मैंने, ट्रांसपेरेंट चप्पल पहनोगे पॉपल होते हो, वाली पहनो दूसरी वाली ले लो कोई। तो भाई नाना करते हुए इतना सामान ले लिया जहन में, वो जाते ये सामान बाहर गाड़ी खड़ी है ना उसके लिए हम ये कोपर डाल देते यार, वैसे हमारा कभी निकलता तो नहीं मगर एक ट्राई कर लेते, अभी गाड़ी निकली नहीं है और तुम जो है इसके पास खड़ो के पिक्चर करवा लो, ये तो ये रही भाई ये वाली गाड़ी मिलेगी अगर हमने जीत गए ना, हमारी है डेकोरेशन की। गली में डालने के लिए देखिए क्या लेके आया है, ये लेके आया है जैन कंचे लेके आया है, अरे तुम ये क्या किया, सोते हुए बटेर को उठा के लिया, क्या कर रहे हो यार बटेर को तुम क्यों उठा के लिया, अरे चलो जल्दी से फटाफट ये लो, तुमने को डाला था ना फटाफट से उसको एक्वेरियम के अंदर डालते इधर, अरे उस बेचारे को छोड़ दो बेचारा, क्या हो गया बटेर क्या हो गया, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, क्या हो गया, हाँ क्या है सो रहे थे आप, नीनू कर रहे थे, हाँ ये उठा के लिया आपको वहां से, आ जाओ तुम्हें मछलियों के साथ रख दूं, यहाँ पे रह लो मछलियों के साथ, मछलियाँ खा नहीं ना, खाना नहीं मछलियों को, हाँ आराम से देखते रहो उनको, देखो बहुत सारी मछलियाँ है, कहाँ जा रहे हो, चलो भाई यार इसको बंद कर दो बेचारे को, कहाँ उठा के लिया, चलो आ जाओ जैन एक्वेरियम के अंदर, ये जैन ने डालने हैं तो दिखाते हैं भाई आपको कैसे लगेंगे हमारे एक्वेरियम के अंदर ये। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ जैन, ये व्हाइट वाले अगर डालोगे ना तो ये तो पानी में नजर भी नहीं आएंगे, तो एक काम करो, पता भी नहीं चल रहा कहाँ गया ये रहा सबके, ये इतना सा नजर आ रहा है, चलो इनमें से व्हाइट वाले जितने भी है ना वो डालो, ये डाल देना जिसके अंदर ऐसे है ना, यार बचपन की याद आ गई मुझे तो, बचपन में हम लोग खेलते थे कंचे, बचपन की बड़ी याद आ रही है यार, ये रखो ये भी सही है, इसके अंदर भी जो है ना वो लाइन है ना ये रख लो, जिसके अंदर लाइन आ रही है ना वो रख लो, बाकी सब हटा दो, जैन रेडी हो जाओ डाल दो इसमें, दिखा दो कैसे डालेंगे, ले वहाँ का डाल दिया, देखते अंदर कैसा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, मैं तो बोला वो व्हाइट वाले भी डाल ही दो इसके अंदर, ये वाले भी डाल ही देते हैं, देखते कैसे लगते हैं, हटो भाई जल्दी से हटो भाई जल्दी हट जाओ, तुम अपनी पॉलिटिक्स भी कर लगी है, मुझे ये डाल के दिखाना है सबको कि भाई कैसा लग रहा है, हटो आप दिखा लो, नजर भी आ रहा है किसी मछली के सर पे नहीं गिर जाएगी, फील भी नहीं हो रहे ये तो पता भी नहीं चल रहा है कहाँ गए क्या हुआ है, करीब करीब डालो ना, इसमें डाल देना उसके अंदर, वो तो नजर भी नहीं आएंगे कहाँ गया, उधर तो नजर भी नहीं आ रही, इधर तो फिर भी ठीक थे मगर अच्छे लग रहे हैं यार, तो ये तुम्हारी हरकतें हैं, मैं कह रहा हूँ यार रोज कुछ ना कुछ, कभी इधर पड़ा होता है कभी उधर पिंजरे में पड़ा हुआ होता है कभी कहीं कुछ पड़ा हुआ होता है, ये जहन हरकतें करता है, ये देखो फैलाए ना इसको दूर दूर, ये बहुत खूबसूरत है, देखिए पानी में अच्छा लग रहा है, ये करीब करीब रखो, इधर करीब करीब रखो ताकि इधर खूबसूरत लगे ना, ये देखे हाँ रख दो इधर करीब, कहीं हमारा बटेर नजर आया ना तो बताना, बटेर तो ऐसा गायब होता है ना, बटेर नहीं क्या है हमारा बटेर, अरे भाई क्या हो गया तुम्हारे तुम्हारे चक्कर में ना मुझे भी बटेर कह रहा हूँ भाई, हमारा वो श्रिम याद आ गया, हमारा श्रिम कहाँ गायब होता है भाई, हमने नया बटर ले लिया बटेर ले लिया जो कि पानी में रहता है, भाई हमारा श्रिम गायब हो गया, अभी फिर गायब है, दोनों गायब है, अब वो बाहर आएंगे तो बोलेंगे यार हम कहाँ आ गए, ये तो कुछ नई जगह पे आ गए, कौन सी जगह पे आए नहीं। इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहाँ पे करेंगे एंड, आपने देख लिया कैसे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच बिल्कुल बेकार हो गया, तबाह हो गया, बारिश ने तो मैच ही खत्म कर दिया, आज खत्म हो गया बिल्कुल मैच, ये बैठे हुए इंडिया इंडिया की मैच लेने वाले ये बैठे हुए तो भाई कैसा लगा, आज तो बैटिंग ही नहीं आई यार पाकिस्तान की, यार इंडिया वालों ने बेईमानी कर दी यार, अपनी बैटिंग ली और भाग गए हैं, अपनी बैटिंग करके चले गए, ये क्या बात, हमारी बैटिंग कौन देगा यार, हमें भी तो बैटिंग दो, तो भाई मजाक करो बुरा नहीं मानिएगा, जस्ट तफरी है ये और कुछ नहीं है, पाकिस्तान धरना देगा, तो चले भाई इस ब्लॉग को हम यहाँ पे ही करेंगे खत्म, लाइक करें शेयर सब्सक्राइब जरूर फौरन अभी इसी टाइम, ठीक है जल्दी से करते लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट ब्लॉग कमेंट कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और कमेंट में बताइए कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, बाय।
Thank you.